चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। और इसमें हम लोग कक्षा 10वीं की विज्ञान देख रहे हैं, कक्षा 10वीं की विज्ञान को हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपकी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 9वीं तक की लगभग लगभग सभी बुक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आपके, ठीक है। और कक्षा 10वीं की ये लास्ट बुक है। इसमें हम लोग 5 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर 5वां था आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज है ये अच्छा 10वीं का 6वां चैप्टर जैव पिक्रम, ठीक है। इसकी जितनी भी आपकी पीडीएफ है वो सभी टेलीग्राम पर डाल दी है, तो समय रहते हुए आप लोग क्या करिए कि उन्हें डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसे, मैं तो कहता हूँ कि बहुत जल्दी खत्म कर दीजिए। अभी आपका देखिए आप लोग की 1 साल का टाइम मिलता है, मैं तो कहता हूँ 1 साल पेपर देने, प्रीलिम्स पेपर देने से पहले आप लोग कम से कम 1 से 2 बार इन्हें पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपकी जो स्पेशल बुक्स होती है जैसे पॉलिटी की, आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद आप क्या किया करिए कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। उसके बाद लास्ट में आप लोग अपने नोट्स जो भी बना रहे हैं उन्हें रिवीजन करके चले जाए ना, ठीक है। तो चलिए 6वें चैप्टर में हम लोग जानते हैं, और लास्ट में आपका इसका पूरा निष्कर्ष बता दिया जाता है लास्ट में। तो इसलिए बीच में आपको परेशान नहीं होना है, बड़े ध्यान से आपको सुनना है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम जैव सजीव तथा अजीव निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं? यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। क्या है? सजीव है ये। यदि कुत्ता, गाय या फिर इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यह सोचेंगे कि ये सजीव है? लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं? पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि ये वे सजीव हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि ये हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती हैं? वे समय के साथ वृद्धि भी करते हैं और अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी या फिर अन्य गतियां हो सकती हैं, लेकिन वह पौधे भी सजीव हैं जिनमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग जानेंगे कि सजीव क्या क्या स्थिति है, सजीव की निर्जीव की क्या स्थिति है, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां, क्या यह आदर्श आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है जब तक कि वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। अतः इसी का कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं या फिर निर्जीव हैं, किस अवस्था में इन्हें रखा जाए। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है? आखिर पूर्व कक्षा में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। क्या होते हैं? छोटे घटक होते हैं। फिर आप देखेंगे सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण विक्रम कौन से हैं? आइए इन्हें भी हम लोग खोजते हैं। आप लोग अगर अपने से भी अगर ध्यान से पढ़ते हैं और आराम से इनको जानते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये बहुत ही साधारण शब्दों में पूरी बुक्स लिखी गई है आपको, ठीक है। तो अच्छे से आप ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं जैव विक्रम क्या है। आखिर जैव विक्रम क्या है? जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए या उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों उस समय भी यह अनुरक्षण काम चलता रहना चाहिए। वे सभी विक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव विक्रम कहलाते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग? जैव विक्रम कहते हैं, क्योंकि क्षति
क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है और इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई विक्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई विक्रम। यदि विक्रम होना चाहिए, इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के विक्रम को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है, क्या शारीरिक वृद्धि होती है, तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है। आप लोगों ने लास्ट पिछले फोर्थ चैप्टर में आप लोगों ने कार्बन के बारे में काफी पढ़ा भी था। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार की पोषण प्रक्रम को उपयुक्त करते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि कार्बन कितना महत्वपूर्ण है। आखिर चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या फिर निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोतों में परिवर्तित हो जाते हैं। चाहिए यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए तथा विभिन्न जीव शरीर की अनुरक्षा तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी भी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन का कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकाएं कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उनका उपयोग श्वसन कहलाता है। वो तो आप सोचिए उसी तरह हाल है, जिस तरह से आप जानते होंगे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है या अपने आप चल पड़ती है वो, तो उसी तरह इसका भी काम हमारे शरीर में भी। आप खाना ले रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, हर डाइट आप लोग अच्छे से लेते हैं तो इसीलिए लेते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या फिर वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। किन्हें? एक कोशिकीय जीवों को। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है या शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है, तब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो सकते हैं हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है, यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इसकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता भी होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए ना केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस क्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाते हैं और इसका अर्थ है कि परिवहन पतंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों की कोशिकाओं से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। अतः आइए हम एक जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक विक्रम के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। तो आपने देख लिया है कि उत्सर्जन की भी एक तरह से आप हम अपने आप में भी देख सकते हैं, बहुकोशिकीय आप हैं, ठीक है, उत्सर्जन की देख लिया है आपने, ठीक है, उसके बाद श्वसन भी देख लिया है, सांस लेने की प्रक्रिया भी देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चन है, आप ऊपर जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है इसी से संबंधित देख लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं पोषण। ये शब्द भी आप लोग काफी चर्चा में सुनते रहते हैं। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं
तो हमें ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आप लोग गाड़ी चलाते हैं या कोई भी, आप लोग मान लीजिए घर में कोई सा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो आप कहते हैं ना कि इसे ऊर्जा की आवश्यकता है। तो एक तरह से हमारे शरीर को भी उसी ऊर्जा, उसी तरह की ऊर्जा, एक मतलब आप सोचिए वो ऊर्जा अलग से आ रही है, लेकिन हमारे अंदर जो आप खा रहे हैं, दूध आप खा रहे हैं या कोई भी आप प्रोटीन ले रहे हैं, वसा अलग, इस तरह के जो भी विटामिन, किस लिए लेते हैं? ऊर्जा के लिए। तो उस स्थिति में जब हम कोई आवासीय क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। एक बात और आपको बता दूं कि हो सकता है, देखिए अभी भी कैप्सूल ऐसे कई आते हैं, प्रोटीन के आप कैप्सूल लेते हैं, विटामिन के भी तो आप लोग कैप्सूल लेते हैं कि विटामिन बी की कमी है, आप लोग कैप्सूल ले लेते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा, 1 लीटर आपने पेट्रोल डलवाया, गाड़ी चल गई, जितनी भी एवरेज देती है, 30, 40, 50, 60, जितना भी आपका है, एक समय मुझे लगता है कि ऐसा भी आ जाएगा कि कैप्सूल आपको रहेगा, आप 2-4 कैप्सूल खाइए, आपका दिन भर का खाना पूर्ण हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगी। देखिए ऐसा संभव है, हो सकता है, और अभी भी हो रहा है कई जगह इस तरह की, ठीक है? तो ऐसा देखने को मिलेगा। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? जो सजीव होते हैं ये अपना भोजन आखिर कैसे प्राप्त करते हैं? इनकी प्रक्रिया क्या है प्राप्त करने की? सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं, जिनमें सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु शामिल हैं। यदि अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, इन जटिल पदार्थों को सरल बनाने में खंडित पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है, ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम लोग एंजाइम कहते हैं। एंजाइम तो आप लोगों को सुनते रहते होंगे ना चर्चा में काफी। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित होते हैं। आप देखिए प्रोटीन आप ले रहे हैं, ये भी तो कई हिस्सों में बंटता है ना। एक तरह से आप कहिए कि प्रोटीन जटिल पदार्थ है, कोई एक तरह से सरल पदार्थ नहीं है। इसका पाचन होता है, उसके तरफ ऊर्जा, उसके बाद आप देखेंगे ऊर्जा में एक तरह से कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं हम लोग स्वपोषी पोषण। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण, इसे तो आप लोग जानते होंगे ना। यह अपिक्रम जिसके जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देती है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, यानी कि आज आप जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, CO2, तो वो भी कोई उपयोग करता है। जिस तरह से आप ऑक्सीजन उपयोग कर रहे हैं, वो भी इसका भी उपयोग होता है। आप लोग कह दें कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जीवन संभव रहेगा, जीवन पर भी खतरा मंडराने लगेगा। जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ आप देख दीजिए एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट, आप लोगों ने देखा होगा, मुझे तो लगता है कि आप लोग देखते रहते हैं कि कई बार आप देखते हैं कि कहीं एक तरह से नली टाइप की डली रहती है, किसमें? गाड़ियों में, देखा है आपने? तो उसमें मुझे लगता है कि इसी तरह हमारे शरीर में भी आप देखते हैं धमनी होती है, सिरा भी होती है, समझे? तो उसी तरह हाल है, आप मध्य सिरा हो गया, पर्ड पटल, सिरा, मोमिक क्यूटिकल, ऊपरी बाह्य त्वचा, ठीक है, ये मोमिक क्यूटिकल, ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, द्वारकोशिका, वायुकोष, ठीक है, हरित लवक, फ्लोरम, जाइलम, समय एक तरह से आप कहिए कि पत्ती का ये अपना मतलब पौधों में भी एक तरह से जान है, बस आप उनकी जान को नहीं समझ पा रहे हैं। यहां भी देख लीजिए 6 CO2 + 12 H2O यानी कि 12 H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का विकास इनका उपयोग करते हैं।
फिर बदलेंगे ग्लूकोज में C6H12O6, ये ऑक्सीजन में भी बदल रहे हैं और 6H2O जल भी। आप लोग देखेंगे एक बात और हमेशा, क्या बात? वो बात ये है कि आपने देखा है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया है पौधों ने सूर्य की उपस्थिति में, क्लोरोफिल। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ ग्लूकोज भी उन्होंने उत्पन्न कर दिया। उसके बाद आपने देखा है एक और पॉइंट यहाँ देखा है क्या, ऑक्सीजन जो आपको आवश्यकता होती है वो ऑक्सीजन की, और जल। आप लोगों से मैंने कई बार बोला है इस बात को कि आपके शरीर का एक भाग, मतलब आपके शरीर में जो फेफड़ा है इसका एक भाग पेड़ों पर टंगा हुआ है। यही सोचिए, जैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं, आपका पेड़ा फेफड़ा एक, यानी कि आपके ये लंग्स, आपका कहाँ है पेड़, पेड़ क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रहे हैं और ऑक्सीजन में बदल दे रहे हैं, यानी कि एक प्रक्रिया, चक्रीय प्रक्रिया चलती रहती है। हम देखते हैं कि विकास संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? क्लोरोफिल द्वारा विकास ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसको आपको समझना है, ज्यादा दिमाग मत दोहराइएगा, मुझे लगता है आप आराम से सुनते हैं तो मुझे लगता है सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है? क्लोरोफिल द्वारा विकास ऊर्जा को अवशोषित करता है और विकास ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यह आवश्यक नहीं है कि यह चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में एक क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। आइए हम देखते हैं कि उपयुक्त अभिक्रिया अक्रिया का प्रत्येक प्रत्येक घटक विकास संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिका अंग है, क्या है? कोशिका अंग है, और जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें आपको क्लोरोफिल होता है। आइए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। याद रखिए एक बात और हमेशा याद रखिए, जो आपके क्रियाकलाप है इन्हें आप लोगों को पढ़ना है, केवल क्या करना है, पढ़ना है, करते कभी नहीं बैठना है आपको। मान लो चला कि आप लोग करते बैठ गए, सालों यही में इसी में गुजर गए आपके, तो आप लोगों को ये नहीं करना है, आपको आराम से पढ़ के निकल जाना है। गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए, उदाहरण के लिए मनी प्लांट या फिर कॉटन का पौधा। किसका? कॉटन का पौधा। पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंडपयुक्त हो जाए। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। कहाँ? सूर्य के प्रकाश में रखना है आपको। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए। इसमें हरे भाग को अंकित करिए और उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इसे एल्कोहल से भरे बीकर में डुबो दीजिए। इस बीकर को सावधानी से जल ऊष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए जब तक कि एल्कोहल उबलने ना लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है? विलयन का रंग कैसा होता है? अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो डालिए। पत्ती के रंग को अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना कीजिए। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस क्रियाकलाप को करिए मत, क्योंकि आप देखेंगे इतना सामान आप इकट्ठा करने में आपको कई घंटे लग जाएंगे। और आप सोचिए कि आप लोगों को NCERT पढ़ने में 1 से 2 साल का समय लग जाएगा अगर इस तरह से आप करते बैठ गए। आपको पढ़ना है और नीचे जो पैराग्राफ दिया जाता है इसके बाद, क्रियाकलाप के बाद, इसे बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि इसका निष्कर्ष इसी में छुपा रहता है। यहाँ 2 पत्तियां दी गई हैं, ए और बी। सबलित पत्ती ए मंड परीक्षण से पहले और मंड परीक्षण के बाद ए है आपकी, ठीक है? अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9वीं में हमने रंध की चर्चा की थी। किसकी? रंध की। चित्र 6 पॉइंट मतलब 6.3 में देखिए आप लोग, द्वार कोशिकाएं हो गई, ये आपको दिखाई देगा रंध, ये हरित लवक दिखाई देगा, हरित लवक। उसके बाद खुला तन खुला हुआ है, ठीक है, बंद रंध हुए है, क्या हुआ है? बंद रंध। इसके बाद आप देखेंगे इसमें प्रायोगिक व्यवस्था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेलजार हो गए,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाच ग्लास में, उसके बाद आप देखेंगे ये आपको भी है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना भी है, ठीक है, ये इसके साथ है। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि हानि होती है, और तब जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधे इस छिद्रों को बंद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बंद। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इस तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं। इस तरह से आगे चलते हैं हम लोग, क्रियाकलाप 6.2 को भी देख लेते हैं। लगभग समान आकार के गमले में लगे दो पौधे लीजिए, 3 दिन तक उन्हें अंधेरे में कमरे में रखिए। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच की पट्टिका पर रखिए, कांच की पट्टिका पर रखना है। एक पौधे के पास वाच गिलास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। चित्र 4.6.4 के अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग बेलजार से ढक दीजिए। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका का वैसलीन लगा दीजिए। इससे प्रयोग वायुरोधी हो जाता है। और लगभग 2 घंटे के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखिए और प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए। उपयुक्त क्रियाकलाप के तहत उसमें मंड की उपस्थिति की जांच कीजिए। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती हैं? इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इसी तरह बताया था ना आप लोगों को, ये आप देखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाच गिलास में और ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना है, ठीक है। इसमें क्या निष्कर्ष लास्ट में निकलता है? उपयुक्त दोनों क्रियाकलाप के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिसमें प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि सौपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम सरीके अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइड के रूप में लिया जाता है। इन्हें उनका कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। एक बात आप लोगों सोचिए, आप लोग जैसे आयरन की कमी है तो आप क्या पालक ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप पौधों की भी यही स्थिति है, उन्हें भी तो जरूरी है। तो आप देखते हैं, कहते हैं ना कि मिट्टी में भी लोहा होता है, मिट्टी में भी आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, यहाँ आपको फास्फोरस भी देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, ये मिट्टी के द्वारा अपना सभी पूर्ति या आपूर्ति करते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विषमपोषी पोषण। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है और भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है, जैसे कि घास या गतिशील, जैसे कि हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है, तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर लेते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। और फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है। अन्य जीव संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं, उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। आप लोग तो देखते हैं ना, शरीर में आप लोग एक तरह से यही काम करते हैं। जीव द्वारा किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए और उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। घास, फल, कीट, मछली या फिर मृत खरगोश खाने वाली जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचें? कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनके पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्त अमरबेल, किलनी, जू,
लीच, फीता कृमि, सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। अब बात करते हैं जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। कौन जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है। क्या है? भिन्न है। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न है। क्या है? पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न है। एक कोशिकीय जीवों के में भोजन सतह भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी विवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह विवर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इस तरह से अमीबा में पोषण, इसमें आप देख सकते हैं 6.5 में केंद्रक हो गया, खाद्य कण हो गए, ये पदार्थ उत्पाद हो गया, खाद्य रिक्तिका खाद्य कण हो गया, और लास्ट में ठीक है एबीडी एबीसीडी। इस तरह से खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और एक कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपच क्या है? बचा हुआ अपच मतलब जो पच नहीं पाया पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाभ की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको देखने को मिलेगा मनुष्य में पोषण, मनुष्य से जुड़ी हुई जो विज्ञान है ह्यूमन साइंस, इसी से आपके क्वेश्चन, बायोलॉजी जैसे आप कह देते हैं, इसमें आपका इसी से क्वेश्चंस आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं। आहार नल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। चित्र 6.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, हम यहाँ स्पेक्ट्रम की चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप 6.3 को देखने से पहले हम लोग एक बार इसे भी देख लेते हैं। देखिए ये आपकी जीव यानी कि जीवा, उसके बाद मुंह मुख गुहा क्रसिका, ठीक है, नली एक तरह की, आप लोगों को बताया था ना कि एक तरह से आपके धमनियां हैं सिराए हैं खून के लिए, इसी तरह से कुछ आपके ये पाइप टाइप का कि आपके भोजन को आपके शरीर में कहां तक कहां तक पहुंचाना है। ये आपका आमाशय होगा, ये आपका क्षुद्रांत हो गया, ठीक है, ये आपका बेहद्रांत हो गया कोलोन जिसे कहते हैं, एक गुदा द्वार और परिशिष्का, ये आपकी ये यकृत हो गया, पित्त नली है, ये क्या है पित्त नली है, और परिशिष्टा हो गई, यकृत हो गया, अग्नाशय है, देख ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप डायफ्राम ऊपर है, ये आपका जैसे प्लेट टाइप की लगी हुई है, इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक पहुँचते हुए एक तरह से आप गाड़ी में पेट्रोल टंकी में डालते हैं और पहुँच के कहाँ से निकल जाता है, पीछे से आप देखते हैं धुआं बन के निकल जाता है, तो उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस क्रियाकलाप को हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे और बात करेंगे। क्रियाकलाप 6.3, 1 ml मंड का घोल 1/3 दो परख नली ए और बी में लीजिए, ए और बी में लीजिए। परख नली ए में 1 ml लार डालिए, दोनों परख नलियों को 20 से 30 मिनट तक शांत छोड़ दीजिए। अब प्रत्येक परख नली में कुछ बूंद तनु आयोडीन घोल घोल की डालिए। किस परख नली में आपको रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और दोनों परख नलियों में मंड की उपस्थिति के बारे में यह क्या इंगित करता है, या लार की मंड पर क्रिया के बारे में क्या दर्शाता है, क्रिया के बारे में क्या दर्शाता है। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं, क्या करते हैं, तरह तरह के भोजन खाते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा कि ये भी बताना है। जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है, प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रक्रम के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। क्या दांतों का एक तरह से महत्व इसीलिए है क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। इमली में भी आप लोग देखते होंगे कि पानी आ जाता है, या
अन्य कोई आपकी पसंद, जो भी आपकी पसंद हो। यह वास्तव में केवल जल नहीं है जो आप देखते हैं ना, ये जल नहीं है, लाल लाल ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है, जिसे आप लाला रस या फिर लार कहते हैं। क्या कहते हैं? लाला रस या फिर लार लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होता है। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। एक तरह से वही है, आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों ने, अगर गांव से आप लोग तो बेहतर समझते होंगे कि सीधा पेड़ लाकर आप लोग कोई भी भट्टा पका रहे हैं आप लोग, या भट्टे में दे रहे हैं, या आप देखिए कि घर में खाना बनाते हैं, तो डायरेक्ट एक पेड़ नहीं लगा देंगे आप चूल्हे में कि लीजिए जलते रहिए। एक तरह से आप पेड़ को जटिल मान लीजिए। आपको अगर सरल पदार्थों में बांटना है तो उसे काट काट के आप छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, फिर आप चूल्हे में उससे रोटियां पकाते रहते हैं, या जो भी काम होता है वो करते रहते हैं आप लोग। तो इसी तरह आपका क्या करता है, जो एंजाइम है ये क्या करता है कि जैव उत्प्रेरक होता है, और इसके जो एक तरह से जटिल होते हैं उन्हें सरल सरल में बदल देता है खंडित करके, और ये पाचन में सहायक हो जाता है। लार में भी एक आपको एंजाइम होता है, जिसे लार एमिलेस, क्या लार एमिलेस कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है, देती है। क्या करती है? मिला देती है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नीति रूप नियमित रूप से गति उसकी सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है, और मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या फिर एसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। और आमाशय एक बेहद अंग है। क्या है? बेहद अंग है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। क्या होती है? सहायक होती है। एक तरह से मुझे लगता है कि आपको समझना है तो आप शरीर को अपनी एक मशीन की तरह समझिए ना, कि मशीन में भी आपका अपना अपना काम है, उसी तरह आपका शरीर में भी कुछ ना कुछ काम है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन या श्लेष्मा का स्रावण यानी कि उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम जब तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम को की क्रिया में सहायक होता है। किसके? पेप्सिन। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्क को एसिडिटी अम्लता की शिकायत करते हुए सुना होगा। HCl के आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, इसी के कारण होती है। इसमें क्या होता है? जलन महसूस होती है, एसिडिटी हो गया है। कई बार आप लोग सुनते रहते हैं, अम्लता तो नहीं सुनते होंगे लेकिन एसिडिटी जरूर सुनते होंगे। क्या इसका संबंध उपयुक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? तो आपने देखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है इसका संबंध, उसी से। ठीक है। आमाशय से भोजन जब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, यह है अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होती है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे बड़ा सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहंध स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। और याद रखिए, हम लोग घास नहीं पचा सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि सेलुलोज की हम लोगों में कमी होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। तो आप समझिए कि घास खाना कठिन है, मांस खाना सरल है। समझ रहे हैं आप लोग कि मतलब मांसाहारी को मांस का पाचन करना सरल है, और जो कहां से इसका पाचन करना कठिन है, तो इसे भी आप लोग जान सकते हैं। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट डेट प्रोटीन वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। कौन सा? क्षुद्रांत। और इस कार्य के लिए यह एकत्रित यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती है। क्या करती है? स्रावण प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय और अग्नाशयिक एंजाइम की क्रिया के लिए इसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करते हैं,
करता है, यह कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी कुछ गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर इंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित क्या करता है, खंडित कर देता है, जिससे इंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है। क्या है? साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अग्नाशय अग्नाशयिक रस का श्रवण भी करता है। अग्नाशय जो अग्नाशयिक रस आप सुनते हैं ना, ये आपके अग्नाशय के द्वारा श्रवण यानी कि उत्पन्न होता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होती है और इमल्सीकरण वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होती है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्रस स्रावित करती है, आंत्रस स्रावित करती है, और इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती है। कई बार आपका पूछ लेता है कि प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो आप देखते हैं आमाशय से। तो ये भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, डायरेक्ट आपकी प्रीलिम्स में बन जाते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से आप लोगों को सुनना है, बस पढ़ते जाना है, निकल जाना है। पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत की आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसी प्रवर्ध होती है, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देती है। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है, और यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने और नए उत्कों के निर्माण और पुराने उत्कों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन वेदांत में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं और अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का वाही क्षेपण आपका गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था, आपके शुरू हुए थे यहाँ से, और भोजन निकाल के हम लोग फ्री हो चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। दंत क्षरण, ये भी आप लोग सुनते रहते होंगे, कई बार सुना होगा आप लोगों ने। दंत क्षरण या दंत क्षय एनिमल या फिर तथा डेंटिन के सने सने मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तब एनिमल मृदु या फिर बिखनीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिकाएं कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं, और प्लाक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह पर नहीं पहुंच पाती। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजन प्रांत दांतों में ब्रश करने में प्लांक हटक जाता है, क्या हट जाता है, प्लांक, और यदि अनुपाचित रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं और जलन का संक्रमण कर सकते हैं, और इसी से आप देखते हैं दंत क्षय होने लगता है। ये भी आपके क्वेश्चन है इसी से संबंधित, जो हम लोगों ने ऊपर आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से आप लोग धीरे धीरे पढ़ते जाइए, निकलते जाइए आप लोग, जामला आपको परेशान नहीं होने की जरूरत भी नहीं है मुझे लगता है। अब आपने पाचन देख लिया ना, अब श्वसन देख लीजिए, सांस लेना यानी कि सीधा सा। तो चलिए क्रियाकलाप 6.4 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे देखेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। एक परख नली में ताजा तैयार किया हुआ चूने का पानी लीजिए। इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित कीजिए। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दुधिया होने में कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी परखनली में ताजा चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। नोट कीजिए कि इस बार चूने के पानी को दुधिया होने में कितना समय लगता है। निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है। एक बात और आपको बताऊं, मैंने आप लोगों से इसीलिए बोला है कई बार, क्या बोला है कि आप लोग एनसीईआरटी को बड़ी कहानी की तरह पढ़िए, क्या होगा इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में ना आए। ठीक है, देख लीजिए आप लोग इस चित्र को, नलिका परख नली में चूने के पानी, पिचकारी रबर नलिका चूने का पानी। चूने के पानी में निश्वास द्वारा वायु प्रवाहित हो रही है। चूने के पानी में वायु पिचकारी सिरिंज द्वारा प्रवाहित की जा रही है। क्रियाकलाप 6.5, किसी फल या रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ ईस्ट डालिए। एक छिद्र वाली कॉर्क लगी परख नली में इस मिश्रण को ले जाइए। कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए। कांच की नली के स्वतंत्र
शरीर को ताजा तैयार चूने के पानी बाली परख नली में ले जाइए और चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय के अवलोकन को नोट कीजिए। केड़वन के उत्पादन के बारे में हम क्या दर्शाते हैं? कई लोग कहते हैं कि सर किताब क्यों लेते हो पढ़ाने के लिए? आप लोग ही सोचिए, आपको क्रियाकलाप ये दिखाई देते, आपको ये तो मालूम है कि क्या क्या पढ़ना है, ये तो मालूम हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय पेपर कोई कठिन नहीं है, कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या नहीं है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि ये भी कोई भी तैयारी करता है तो पूरा रोम भर लेगा किताबों से। किसी ने बता दिया उसने किया एम लक्ष्मीकांत सही है, तो उसने एम लक्ष्मीकांत खरीद ली पॉलिटी के लिए। उस किसी ने कह दिया दूसरी सही है, उसने वो भी खरीद ली। किसी ने फिर कह दिया कि उनके सर के नोट्स अच्छे हैं, उसका भी खरीद लिया। किसी ने कह दिया कि टॉपर का नोट्स अच्छे हैं, तो उसका भी खरीद के रख लिया। लेकिन अब वो बीच में फंस चुका है, अब यही नहीं सोच पा रहा है कि आपके सामने चार पांच छह रास्ते हो गए, आप कौन से रास्ते पर जाकर अपनी मंजिल पहुंचे। तो इसलिए कम से कम मैं बुक्स इसलिए ले रहा हूं, मैं भी शॉर्ट नोट्स बना के आपको बता सकता हूं, लेकिन कम से कम आपको मालूम तो होना चाहिए कि क्रियाकलाप नहीं पढ़ना है, इसमें आपको बीतना नहीं है, आपको निकल जाना है पढ़ के। इसका मतलब यही बता रहा हूं ना मैं, इसीलिए बुक्स उठा के आपको बता रहा हूं हर तरह से कि आपको निकलना है पढ़ के आराम से, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक, देखते हैं ये क्रियाकलाप हम लोगों ने देख लिए, अब देखते हैं क्या आखिर कह रहा है। पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं, जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण क्रम में लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव विक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव इससे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग या ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जब कुछ अन्य जीव दूसरे पद का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। चित्त 6.8 किसका 6.8 कहां है 6.8? ये आप देखिए, विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ये आप काफी जब आप लोग कोचिंग करते होंगे तब इस चित्र को बनवाते होंगे सर आपके, ठीक है, क्या करते होंगे सर बनवाते होंगे। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु कोशिका द्रव्य इसकी क्रिया कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे पायरुवेट 3 वायु में अणु, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है ईस्ट में। एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा 2 कार्बन अणु, कितने 2 कार्बन अणु। उसके बाद ऑक्सीजन का अभाव यहां भी हमारी पेशी कोशिका में, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्लस 3 कार्बन अणु। ऑक्सीजन की उपस्थिति की ऑक्सीजन है इसमें माइटोकांड्रिया में उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा, तो ये सबसे बेहतर स्थिति में आपको पहुंचा देता है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज, एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन या अपिक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पायरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह अपिक्रम केड़वन के समय ईस्ट में होता है क्योंकि यह अपिक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकांड्रिया में होता है। यह अपिक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है क्योंकि यह विक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या? यानी कि वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है तो पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहां पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी प्रक्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना कैंप का कारण हो सकता है। इसे एक बार और देख लीजिए आप लोग अच्छे से।
अब बात करते हैं हम लोग कोशी के कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी क्या एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिकाओं की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाले रोशनी क्रियाओं का परिचालन करती है। एटीपी ये नाम भी आप लोग काफी सुनते रहते हैं। अधिकांश कोशिकीय व्यक्रम के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपभोग एडीपी क्या एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एडीपी और एटीपी समझ में आया? दोनों अलग अलग हैं आपके। एडीपी फॉस्फेट ये बी फॉस्फेट है, ऊर्जा के साथ क्रिया करके एडीपी और फॉस्फेट भी है एटीपी। आंत रोशनी विक्रम कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी क्या है एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतरस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होता है तो 30.5 किलो जो कैलोरी मूल के तुल ऊर्जा मोचित होती है। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह आंतरिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार के अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि के अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। किसके? ऑक्सीजन पर। अतः वायवीय श्वसन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं, और अंतर कोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं, जहां को कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान की क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। तो एक बात आप लोग हमेशा समझ लीजिए, मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मैं लघु शंका की बात नहीं कर रहा हूँ, शंका की बात कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन आपके लिए उतना ही जरूरी है एक तरह से जितना कि आपके लिए क्या जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों बराबर है। अगर आप ही सोचिए कि जब ऑक्सीजन आप नहीं छोड़ेंगे तो आप भाई कहाँ से ले लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? ऑक्सीजन नहीं आपके अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनेगी? तो ये दोनों एक तरह से चलते रहते हैं साथ साथ, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है मुझे लगता है आपको। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग में करने में क्या आवश्यकता होती है। हम लोग बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जल में जो रहते हैं वे आपके वहीं से एडजस्ट कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रियाकलाप 6.6 को देख लेते हैं। एक जलशाला में मछली का अवलोकन कीजिए, वे अपना मुंह खोलती और बंद करती हैं रहती हैं, साथ ही आंखों के पीछे क्लॉम छिद्र या फिर क्लॉम छिद्र को ढकने वाला प्रच्छद भी खुलता और बंद होता रहता है। क्या मुंह और क्लॉम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय में किसी प्रकार का समन्वय है? गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितने बार मुंह खोलती और बंद करती है। इसकी तुलना आप अपने श्वास को 1 मिनट में अंदर और बाहर करने से कीजिए। आप लोग जिस तरह से गिनते रहते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जैसे आपकी मछली हो गई, ठीक है? क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और तथा बलपूर्वक इसे क्लोन तक पहुंचाती है। क्या
कहाँ तक? किलोम तक। जहाँ ब्ले ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है, स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों, क्या होता है, भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली और मुलायम होती है। इस तरह की रक्षा के इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। ये भी कुछ टॉपिक, एक आपका पैराग्राफ दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। एक तरह से क्या है, तंबाकू का सीधे उपयोग या सिगार या सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। और भारत में गुटखा सेवन से मुख्य कैंसर की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्वस्थ रहे बस तंबाकू से बने उत्पादों के लिए नहीं कहे। एक बात आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों को बताना है, क्या बताना है, कि आपका गुटखा पर लिखा हुआ है, आप सिगरेट खरीद रही, उस पर लिखा है कि हानिकारक है, फिर भी लोग क्यों खाते हैं? वही हाल है कि आप, अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप पढ़ेंगे नहीं फेल हो जाएंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है, आपसे कह दिया जाता है ना कि पढ़ेंगे नहीं आप लोग फेल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? मतलब गलती किसकी है, हमारी है आपकी? तो वही बता रहा हूं मैं, तो ये देखा जाता है कि पता नहीं क्यों आप लोग लिखिए, आप लोग क्यों ऐसा है, क्यों आप लोग खाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में चित्त 6.9, इसकी बात कर रहा हूं, मानव श्वसन तंत्र। आप लोगों ने पूरा शरीर का एक तरह से आपने पाचन भी देख लिया है, खाना कहाँ से खा रहे हैं, किस तरह से पाचित हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है। अब श्वसन के बारे में भी जान लीजिए आप लोग। ये नसा द्वार हो गया, नसा द्वार यानी कि सांस लेने वाला मुख गुहा, ग्रसनी, ये इसकी बात कर रहा हूँ, कंठ, श्वास नली जिससे सांस लेते हैं, उपास्थि वलय, ये आप देख रहे हैं श्वसनी, ये फेफड़ा या जिसे फुफ्फुस कहते हैं, जो भी आपको कहना है, ये पसलियां हो गई, ये देख रहे हैं ना। इसके बाद ये श्वसन नलिका, ये आपकी, उसके बाद कूपिका कोश, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम नीचे ऊपर होता रहता है जब भी सांस लेते हैं आप लोग, समझ रहे हैं, निकालते हैं, तो ये कूपिका हो गई, इसमें आप लोगों ने देखा है कूपिका कोश, ये यहाँ, ये श्वसन श्वसनिकाएं हो गई, ठीक है। चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नसा द्वार द्वारा जाती है, यहां से जाती है। नसा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, यानी कि एक तरह से छान दी जाती है। आप देखते हैं नाक में भी आपके बाल होते हैं, किस लिए होते हैं? इसलिए कि जो भी वायु आप देख रहे हैं कि हानिकारक कोई कुछ है, जीवाणु विवाणु, तो वो बाहर ही रहेगा, जिससे शरीर में जाने वाली धूल और दूसरी अशुद्धियां रहित होती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है, कंठ में उपास्थि के बलय उपस्थित होते हैं, यह सुनिश्चित करता है कि वायु वायु मार्ग निपतित ना हो। यहां से चल रहे हैं आप लोग, ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, समझ रहे हैं आप लोग, आप लोग यहीं से सांस लेते हैं, कभी कभी आप देखते हैं नाक बंद करके मुंह से भी लेने लगते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग देखेंगे ज्यादा टाइम तक आप मुंह से भी नहीं ले सकते हैं। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका। कूपिका का एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय हो जाता है, यानी कि अदला बदली हो जाती है, विनिमय को यही तो कहते हैं आप लोग, अदला बदली। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, और जैसा कि हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं कि जब हम श्वास अंदर अंदर लेते हैं, हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, कहाँ उठती हैं, पसलियां ऊपर उठती हैं, और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है जब हम सांस
अंदर ले रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है, इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कोशिकाओं को भर देती है। रुधिर से शेष शरीर शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कोशिका रुधिर वाहिकाओं का रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि आप देखिए, अगर आप किसी चीज को जलाते हैं तो क्या ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति के आप जला सकते हैं? क्या यह संभव है? कहते हैं ना कि कोई वस्तु जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के नहीं कुछ हो सकता है उसमें। तो आप समझिए यही हाल है। एक गुब्बारे को आप लीजिए, ठीक है, गुब्बारे को लीजिए, उसमें अगर वायु की यानी कि आप गुब्बारा पुचका हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप जगह है वायु भरने के लिए, तो आप भरते हैं, ठीक है, भरते हैं ना कि नहीं भरते हैं? गुब्बारे में वायु भर गई तो इसमें ये फूल गया, तो इसी तरह आपके फेफड़ा जो भी है इस तरह फूल जाता है, यानी कि अंदर हवा जाती है, और जैसे ही आपको वायु को अंदर से निकालना है तो पुचकेगा, यानी कि आप प्रेशर डालेगा तो वायु बाहर निकल जाएगी आराम से, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। यहां कुछ आपका एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे भी देख लीजिए। धूमपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी वालों की जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु में वायु से रोगाणु रोगाणु धूल अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। धूमपान करने से बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगाणु धूल धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण खांसी और यहां तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं। इसके बाद आप देखते हैं राम नाम सत्य हो जाता है। क्या हो जाता है? राम नाम सत्य हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग खुद स्वस्थ रहिए और आसपास ऐसे जो भी लोग हैं उन्हें समझाते रहिए। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है और उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन बवंडक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन बवंडक हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह बवंडक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। आप लोगों ने एक और सुना होगा कि हमारे खून का लाल रंग किस कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, समझ रहे? तो इस तरह की भी आप लोग समझते रहा करिएगा। यदि कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेंगे। कितना? 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेंगे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कि अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के लिए के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ में पहुंच अनुमानता 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ये अभी जो आपने श्वसन पढ़ा है उससे संबंधित ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग बैठ के अच्छे से पढ़ते रहिए आराम से, सोते हुए चाहे बैठते हुए। और आपके याद रखिए, जितने टॉपिक बाय टॉपिक बताया गया है, एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें आपकी सभी चैप्टर कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के सभी उसी में डले मिलेंगे आपको, ठीक है, तो आपको परेशान भी नहीं होना है। अब बात करते हैं हम लोग वहन, क्या बात करते हैं? वहन, मानव में वहन, तो इसमें देखते हैं बहन नहीं वहन, ठीक है। क्रियाकलाप 6.8 को पढ़ते हैं पहले। अपने आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिचय क्या है। क्या यह बच्चे और वयस्क के लिए समान है? क्या पुरुष और महिलाओं के हीमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है?
अपने आसपास के पशु चिकित्सा क्लिनिक का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि पशुओं जैसे भैंस या गाय में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिचय है क्या है। आप लोगों से इसलिए बोलता हूं, आप खुद सोच के देख लीजिए, मैंने आप लोग खुद सोचिए क्या सोचना है आपको, कि क्रियाकलाप में जो आपने देखा है इतना टाइम है आपको कि क्या आप भ्रमण करने जाए वहां जाने इसके बारे में। ठीक है, ये तो एक तरह से आपको समझाने के लिए कह दिया जाता है कि आप लोग इस तरह से कि आपके समझ में आ जाए क्रियाकलाप। इसलिए क्या यह मात्रा बछड़ों में नर तथा मादा जंतुओं में समान है? नर तथा मादा मानव में व जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिए, यदि कोई अंतर है तो उसे कैसे समझोगे? आप देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा अलग अलग पुरुष में अलग महिलाओं में अलग देखने को मिलेगी। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन ऑक्सीजन वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। कक्षा 9वीं में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी पदार्थ है। क्या है? तरल संयोजी पदार्थ है। ऊतक में एक तरल माध्यम होता है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा, इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलयन रूप में वहन भी करता है और ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा ही होता है। एक तरह से रुधिर का लाल रक्त कणिकाओं का यही काम है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अतः हमें एक पंप नयंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों की एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, तथा एक यंत्र तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। वो तो ये इसी तरह है कि आप समझते हैं कि एक आप कहीं पानी भेजना है, आपको पाइप देखते होंगे आप लोग, अगर किसान हैं तो आप लोग बेहतर समझते होंगे। तो आपने देखा है कि पंप की जरूरत होती है, कि पंप क्या करता है, धक्का देता है पानी को तो दूसरे खेत तक आपका आसानी से पहुंचा देता है। तो हृदय को आप लोग एक पंप के समान मान लीजिए आप लोग। ठीक है, अपने हृदय को हमारा पंप यानी कि हृदय एक बार देख लीजिए, फिर बाद में आप लोग समझते रहिए। मानव हृदय का व्यवस्थात्मक कार्ट दृश्य, ये आप देखेंगे महाधमनी, सुनते रहते हैं ना महाधमनी, यही है। ये आप देखेंगे फुफ्फुस धमनिया, ये आप देखेंगे फुफ्फुस सिराएं, ये देखेंगे वाया अलेंद अलेंद वाया निलय। इस तरफ देखेंगे इन दोनों को विभाजिका, ये दाया निलय हो गया। शरीर के निचले भाग से महासिरा यहाँ जुड़ती है, ठीक है, दाया अलिंद अलिंद हो गया है। ये शरीर के ऊपरी भाग से महासिरा जुड़ती है, ठीक है, ये महाधमनी आपकी हो ही गई। हृदय एक पेशीय अंग है, हृदय पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन पिचोर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय का कई कोष्ठों में बटा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पिचोर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है, तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन पिचोर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। एक समय आप लोग सुनते भी हैं कि हम उसके दिल में छेद हो गया। छेद होने का मतलब होता है कि मिश्रित होने लगता है। मान लीजिए कि आप लोग एक तरफ, आप लोगों ने देखा होगा तेल निकलवाते हैं ना आप लोग, सरसों से हो या फिर आप तिली से तेल निकलवाते हो किसी भी चीज से, तो उसमें आप देखते हैं कि पानी डाला जाता है, तो पानी के लिए अलग रास्ता हो जाता है, तेल के लिए अलग हो जाता है, उसका जो अन्य मटेरियल होता है बेकार उसके लिए अलग रास्ता होता है। अगर मान लीजिए कि दोनों में छिद्र हो, एक दूसरे से मिल रहे हो, तो क्या होगा? यानी कि दोनों एक दूसरे में मिल रहे हैं तो आप देखेंगे कि नुकसान होगा उसमें। तो इसी तरह छेद में भी छिद्र हो जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने लगती है। आप सुनते भी हैं कि कई बार वो क्या रहता है कि डेथ भी हो जाती है उनकी, तो ये हाल है। ठीक है, हम इस विक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन पिचोर रुधिर पिचोर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ यानी कि बायालिंद में आता है। ऑक्सीजन पिचोर रुधिर
इस सूर्योदय को एकत्रित करते समय वायालंध शिथिल रहता है, कैसा रहता है, शिथिल रहता है, और जब अंगला कोष्ठ बाया निलय फैलता है तब यह संकुचित हो जाता है, जिससे रुधिर इसमें इसमें स्थानांतरित हो जाता है। अपनी अपनी बारी पर जब पेशीय बाया निलय संकुचित संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है, और ऊपर वाला दाया कोष्ठ दाया अलंद जब फैलता है तो शरीर में विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दाना दाया अनिल अलिंद संकुचित होता है तो निचले वाला संगत कोष्ठ दाया निलय फैल जाता है, क्या होता है, फैल जाता है, यह रुधिर को दाया निलय में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनित हेतु अपने बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है, और अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी भी मोटी होती है, कैसी होती है, मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वल्व वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। एक देखिए ये आपका देखिए बना हुआ है, लेकिन मैं एक साधारण सा चित्र बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये आप ये मत समझिए कि मैं कोई वो कर रहा हूं, आप लोगों को यही समझना है कि यही हृदय है, ठीक है। मान लीजिए, अब देखिए मजाक मत उड़ाइएगा मेरी मेरे हृदय का, मैं हृदय बना रहा हूं तो, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, क्या करूं, जैसा बना पाता हूं वैसा बना रहा हूं। यानी कि जुड़ा हुआ है यहां से, ठीक है, अब देखिए आप लोग, देखिए इस तरह क्या रहता है, माफ करिए, क्या करूं मैं, देखिए यहां भी आपका क्या रहता है कि ये आपका क्या रहेगा, यहां से आपकी ऑक्सीजन यहां आपका फेफड़े होंगे, इससे ऑक्सीजन ऐसी होके आएगी, ऑक्सीजन यहां से यहां आपका एक बल्ब लगा होगा, ठीक है, क्या होगा, बल्ब लगा होगा, उसके बाद इसमें जाएगा आपका ऑक्सीजन, यहां से आपका ऐसे होते हुए यहां आपके जो भी बॉडी पार्ट होंगे उसमें से यहां बदलेगी आपकी ऑक्सीजन, के इसमें बदल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और भी उसमें कुछ हानि जो भी आपके ये कि अशुद्ध खून हो जाता है आपका, ऑक्सीजन आपकी उपयोग करके आपका उत्पाद में बदल देता है, इससे आप जी फिर जाएगी आपकी यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ फिर आपकी इसमें आएगी, ठीक है, यहाँ से होती, यहाँ भी एक बल्ब लगा रहेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से निकलते हुए यहाँ से आपका फिर आएगी आपकी फेफड़ों में और यहाँ से फिर निकल जाएगी, ठीक है, इस तरह से आपका होता है, यही आप लोग सोचिए, ठीक है, एक बार आप लोग देखिए यहां से, यहां से आ रहा है और यहां से बदलते हुए ऐसा निकल जाता है, ठीक है, वापसी आपकी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, मुझे लगता है कि आप लोग अगर बेहतर जान सकते हैं, अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो फुफ्फुस में ऑक्सीजन की रुधिर में प्रवेश करती है, बायोलॉजी तो काफी मैंने भी पढ़ी है, समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन ये मत कहिए कि पीएचडी की हुई है, इतना भी मैं महान नहीं हूं। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, हृदय का दाया बाया बाया बंटवारा ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है, इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षता पूर्वक ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी शरीर के जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि उन्हें इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। याद रखिए हमारा चार कोष्ठ होते हैं हमारे शरीर के, हमारे हृदय में, ठीक है, उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है,
शरीर का तापक्रम पर्यावरण की तापक्रम पर निर्भर होता है। जल स्थलचर या फिर बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में तीन कोष्ठीय हृदय होता है और ए ऑक्सीजनित तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल दो कोष्ठ होते हैं, हमारे में चार होते हैं लेकिन मछली का जो है इसमें दो कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोन में भेजा जाता है जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में यह दो बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण। ठीक है, एक तरह से इसे भी देख लीजिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनियमन का व्यवस्थात्मक निरूपण। एक फुफ्फुस कोशिकीय होगी, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे फुफ्फुस फुफ्फुस से कोशिकीय फुफ्फुसीय सिरा, यहाँ आपके ऑक्सीजनित रुधिर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकलेगा शरीर की महाधमनी हो गई। ठीक है, फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में किसका अंग हो गए, यहाँ बदलेगा आपका, किसमें बदलेगा ये आपको यहाँ बदलेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जो नीली दिखने लगी ना, एक तरह से इसी को दर्शाने के लिए बताया गया है। शरीर से महासिरा हो गई, ये फिर जाएगी आपकी दूसरे भाग में और यहाँ से निकल के आपकी और वापसी जाएगी आपकी फुफ्फुस के लिए, फुफ्फुसीय धमनी हो गई है, ये सिरा हो गई धमनी। एक बात याद रखिए, अपवाद यही है आपका, अपराध, अपवाद, अपराध नहीं अपवाद, कि आपका जो फुफ्फुसीय सिरा है, वैसे आप कहेंगे कि ऑक्सीजन जनित शुद्ध शुद्ध आपका जो खून है एक तरह से वो आपका धमनियों में बहता है, लेकिन यही आपका कह दिया जाता है कि ये एक तरह से अपवाद है कि फुफ्फुसीय सिरा आपका खून को, यानी कि ऑक्सीजन जनित खून को ले आती है और यहां आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जनित खून को, यानी कि ले जाती है, ठीक है, धमनी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस तरह से याद रखिए आप लोग, रोधी वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम लोग रक्तदाब कहते हैं। इसी से ही आपका रक्तदाब मापा जाता है। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनियों के अंदर रुधिर का दाब निलय पिंकुचन संकुचन के दौरान पिंकुचन दाब या निलय अनुशीतलन अनुशीतलन शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। सामान्य पिंकुचन दाब लगभग 120 mm पारा और अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। देखिए, धमनी धमनियों का उपयोग करते हुए आप अपना उच्च मतलब रक्तदाब मापते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहां बताया आपको कि ये अपवाद है, क्योंकि कई बार पूछ लिया है, क्या किया है, कई बार इसने पूछ भी लिया है, क्वेश्चंस बन चुका है कई बार, तो अपवाद है ये, ठीक है। रक्तदाब देखिए आप लोग, 120 120 पिंकुचन में और 80 अनुशीतलन में मापा जाता है। रक्त रबर कप वायु से फूल जाता है, यहाँ देखा इस तरह का आपका, आप लोगों ने देखा होगा कि लगाया भी जाता है आपको, कप में दाब 120 से ऊपर धमनी बंद, ठीक है, और कप में दाब 120 से नीचे स्टेथोस्कोप से ध्वनि सुनी जाती है। ये आप लोग, ये भी डॉक्टर यूज करता है, कप से में दाब 80 से नीचे ध्वनि सुनाई नहीं देती है इसमें, ठीक है, ये हाल है। स्फाइगोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी फट सकती है और आंतरिक रक्त स्राव भी श्रवण भी हो सकता है। इसे भी याद रखना, कई बार पूछ लिया गया है कि रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्फाइगमो मैनोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं, तो धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। धमनी की भित्री मोटी और लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके अब वापस हृदय में लाती हैं और उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रभावित करने के लिए बल्ब भी होते हैं। वाल्व किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके।
सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। केशिकाएं तब आपस में मिलकर सिरा बनाती हैं जब रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। आप लोगों ने यहां देखा है ना, ये देखा है, इसी की बात कर रहा हूं, देखिए इसी की बात कर रहा हूं। यहां उपयोग हो गया आपका, यहां क्या हो गया, उपयोग हो गया आपका, और यहां आके ऑक्सीजन इतना रखता रहा है, यहां यहां आपका बदला, और यहां देखा आपने कि शरीर में जा रहा है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जनित यानी कि गंदा रक्त हो गया एक तरह से आपका ये, और यहां से निकल जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाती है, ठीक है, तो इसी की बात कर रहा हूँ। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, ये भी आप काफी सुनते रहते हैं, प्लेटलेट्स की कमी हो गई, जब भी आपको मलेरिया होता है तो इसे भी सुनते रहते हैं। देखिए प्लेटलेट्स से बढ़ाने का एक अच्छा सीधा सा देसी तरीका है आपका, कभी भी आपको हो तो गुरबेल आता है, गुरबेल देसी भाषा यही है गुरबेल की, ठीक है, तो उसे आप लोग यूज कर सकते हैं, अच्छे फायदा भी पहुंचाता है। इन नलिकाओं नलिकाओं के तंत्र में यदि रसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा, उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाए और रक्त स्राव होने लगे, तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त रक्त स्राव से दाब में कमी आ जाएगी जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में भी कमी आ जाएगी, और इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स से कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का धक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आपके शरीर में कट जाए कुछ भी हो जाए तो आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो खून अपने आप बंद हो जाता है, क्या करती हैं उसे मतलब रक्त का धक्का ऊपर एक तरह से परत बना देती हैं और वो आराम से बंद हो जाता है, ठीक है। लस्सी का भी आप लोगों ने सुना होगा, एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, इसे लचका या ऊतक तरल कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश अवकाश में आ जाती हैं तथा ऊतक तरल का लसिका का निर्माण करते हैं, या रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है तो जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती हैं और अंत में बड़ी सिरा में खुलती हैं। बचा हुआ तथा छिद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से बाहर आपस में रुधिर में ले जाती है। एक तरह से वही है कि आप लोग कभी कोई मशीन खोलिए तो उसमें नहीं लगी रहती है कई, एक तरह से आप अगर ऊर्जा वाली करंट वाली अगर मशीन खोलते हैं तो उसमें एक डोरी दूसरे से जुड़ी हुई, दूसरी तीसरे से जुड़ी हुई है, तो इसी तरह से मुझे लगता है कि ये भी फैली रहती है आपकी, ठीक है। पादपों में अगर परिवहन की बात करें हम लोग, किसमें, पादपों में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के सरल यौगिक लेते हैं, क्या लेते हैं, शरीर के सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है, पौधों के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा पिछुड़तम होती है स्रोत है, इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहती हैं किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो जाती है। यदि पादप शरीर के अल्प अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण विक्रम पर्याप्त नहीं होता होगा, इसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। आप लोग ही सोच के देखिए, अगर पौधों को खनिजों की जरूरत ना होती, फास्फोरस नाइट्रोजन या दूसरे को कोई भी खनिज है उनकी अगर आयरन की जरूरत ना होती तो आप कहीं भी पेड़ लगाइए, कहीं भी लग जाता ना, कोई भी पेड़ कहीं भी उठा के आप लगा सकते थे। और आप कहीं देखिए आप लोग,
कि चावल ले लीजिए आप लोग, कहीं देखते हैं आप लोग चावल ये पानी वाली जगह में होता है या काली मिट्टी आपके लिए जरूरी है, काली कपास को देख लीजिए, काली मिट्टी में होता है, काली कपासी मिट्टी भी कह देते हैं आप लोग। मान लीजिए कि आप लोग इससे अच्छा है कि इसे कपास को आप लोग कहीं पथरीले उसमें भी खेती में कर सकते थे, क्योंकि वहां उसके लिए अनुकूल मिट्टी नहीं है उसकी अनुकूल, देख रहे हैं आप लोग, इसीलिए कहता हूं। ठीक है, तो सबके लिए एक तरह से जरूरी है, हमारे लिए भी तरह तरह की प्रोटीन आपके ये खनिज जरूरी है, तो हम लोग अपनी अपनी जरूरत पूरी करते रहते हैं विभिन्न तरीकों से। ठीक है, और जब विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन बी की कमी हो जाए, ए की कमी हो जाए, तो आपको उपाय भी बताए जाते हैं किस तरह से आप ले सकते हैं। विटामिन बी की कमी हो गई तो आपको टेबलेट भी दे दीजिए जाते हैं, कैप्सूल भी आने लगे हैं। ठीक है, विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है, पादप विचलन नहीं करते हैं और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है, इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, और जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का विचालन कर रहे हैं लंबे वृक्ष में भी बहुत बहुत अधिक हो सकते हैं। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों में कच्ची सामग्री का वहन करेंगे। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होते हैं, एक जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है, दूसरा फ्लोएम। कौन सा? पहला है जाइलम, दूसरा फ्लोएम। पत्तियों से जहां आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं और पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। हम इन ऊतकों की रचना विस्तार से कक्षा 9वीं में पढ़ भी चुके हैं, इससे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में विस्तार से पढ़ भी लिया था आपका। फिर आप बात करते हैं जल का परिवहन, जल का परिवहन का कैसे होता है। हम लोग तो उठा के आप लोगों ने देखा है बोतल गिलास आप किसी भी तरह से पी लेते हैं, लेकिन पौधों में किस तरह से होता है। जाइलम ऊतक में जड़ों तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाते हैं जो पादप के सभी भागों से समृद्ध होती है, यानी कि जुड़ी होती है, और जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं और वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करते हैं, और यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करते हैं। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा में से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में होता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है और जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। एक तरह से आपने देखा होगा आप गाँव से आ गए और वैसे भी आप कहीं से भी हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की व्यवस्था होती। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो हम लोग एक लालटेन देखते थे या चिमनी आप देखते थे, मिट्टी के तेल की जो आपका केरोसिन आता है इससे आप चलाते थे और पढ़ते थे, तो आप सोचिए उसी तरह आप ले सकते हैं कि आप देखते हैं कि चिमनी के ऊपर रहती है वो, तो आप कपड़ा किसी कपड़े के द्वारा वो ऊपर तक जल वो आपका तेल जाता रहता था और चिमनी जलती रहती थी, आपकी उजाला देती रहती थी। चलिए अब हम लोग क्रियाकलाप 6.9 को भी देख लेते हैं। 6.9 को लगभग एक ही आकार के तथा बराबर मृदा वाले दो गमले लीजिए। क्या लेना है? दो गमले लेना है, एक में पौधा लगा दीजिए और दूसरे गमले में पौधे की ऊंचाई की एक लकड़ी छड़ी लगा दीजिए। दोनों गमलों की मिट्टी प्लास्टिक की सीट से ढक दीजिए जिसमें नमी का वाष्पन ना हो सके, नमी का वाष्पन ना हो सके। दोनों गमलों को एक को पौधे के साथ दूसरे को छड़ी के साथ प्लास्टिक सीट से ढक दीजिए। क्या आप दोनों में कोई अंतर देखते हैं? छोड़िए इसको, क्रियाकलाप को बस पढ़ लीजिए आप लोग, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ना नहीं, बिल्कुल पढ़ लीजिए और छोड़ दीजिए इसे वहीं अपनी स्थिति में। अब यहाँ जो नीचे आपका पैराग्राफ दिया जाता है इसे जरूर अच्छे से ध्यान से बड़े से पढ़ना है आपको। क्या करना है? पढ़ना है आपको। ठीक है, यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जल आपूर्ति है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण द्वारा उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि
वास्तु सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तु सर्जन कहलाती है। आप समझ रहे हैं कि हमारे खून, आप देखते हैं उंगलियों को भी एक तरह से खून की जरूरत है, ठीक है, किसको, खून को भी एक तरह से उंगलियों को भी खून की जरूरत है। तो वो आपकी धमनियों के द्वारा, छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा पहुंच जा रहा है आराम से। तो आप सोचिए कि पेड़ के जो अन्य विभाग हैं उन्हें भी तो जरूरत रहती होगी। या नहीं आपको भरोसा है तो एक आप लोग पेड़ दीजिए, उसकी एक शाखा काट दीजिए, देखिए वो कितने दिन जिंदा रहती है या सूख जाती है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये आराम से नलिकाओं के द्वारा, एक तरह जाइलम द्वारा खिंचता रहता है, वह पहुंचता रहता है, ठीक। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलेय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है, या ताप के नियमन में भी आपका सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले खुले हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण और जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। क्या होता है? मुख्य प्रेरक बल होता है आपका। इसे भी आप देख सकते हैं, ये जल वाष्प आप देखते हैं कई बार एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति। ये जड़ें किस लिए होती हैं? इसीलिए तो एक तरह से आप समझिए जड़ें हैं कि भेज रही हैं ऊपर तक, आपका जल आराम से चला जाता है। आप सोचिए अगर जल ऊपर नहीं जाता तो गीला कैसे होता, पत्ते को आप लोग अगर आग दबा के देखें तो उसमें जल भी निकल के निकलता हुआ दिखाई देगा आपको। तो कम से कम वहां पहुंच तो रहा है, कितने भी ऊंचाई पर हो आप, पेड़ कितने भी ऊंचा हो क्यों ना हो, तो वहां तक जाने की, पानी नीचे से धरती से जाने की व्यवस्था है। अब आप कहेंगे ऊपर से तो कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, तो याद रखिए आप लोग ऊपर से पीते हैं, हम नीचे तक जा रहा है, और वो नीचे से पी रहे हैं ऊपर तक जा रहा है, ठीक। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण की अगर बात करें, अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलेय विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है आपका। और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। और आप देखेंगे कि ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण सलगन साथी कोशिका की सहायता से चालनी नालिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। आप ही सोचिए एक बात को कि अंगूर तो आप लोग सभी लोगों ने खाया होगा और जानते भी हैं, इतना तो आप लोग जानते हैं, इतने तो समझदार है, मुझे लगता है, मुझे तो लगता है बहुत समझदार है। तो आप सोचिए उनमें पानी जो पहुंच जाता है, जो भी रहता है उसमें, वो कहां से पहुंचता होगा? नीचे से ही जड़ों द्वारा उनमें, फलों में पहुंचता होगा कि नहीं? जाइलम द्वारा परिवहन जैसे सामान भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है। विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज शरीर के पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं, या ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरित कलिकाओं में होता है जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये भी आपके ऊपर जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है इसी से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों ने काफी इस चैप्टर में जान लिया है। उत्सर्जन की अगर बात करें हम लोग, उत्सर्जन तो इसमें आप देखेंगे हम चर्चा कर चुके हैं जीव विकास संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। वह जैव विक्रम जिसमें इस इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। विभिन्न जंतु इसके लिए विभिन्न युक्तियां करते हैं। बहुत से एक कोशिक जीव इन अवशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं, जैसा कि हम अन्य विक्रम में देख चुके हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग भी करते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग विशेष अंगों का उपयोग करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मानव में उत्सर्जन। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। मानव में, मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क
यानी कि किडनी, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क के उदय में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र के बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा जहां तक तब तक एकत्रित रहता है जब तक कि मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता है। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? मूत्र आखिर किस तरह तैयार होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया फिर यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक और फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के शरीर के अंदर होती है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है और प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें हम लोग वृक्कराणु या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं और प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है इन पदार्थों का चयनित चयनित पुनर्शोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्शोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है और जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना कर दे मूत्राशय पेशीय होता है। अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम पर्याप्त मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। यहाँ आप लोग देखिए, ये है आपका पूरा उठ मानव में उत्सर्जन। यहाँ आपको किडन एक तरह से वृक्क यानी कि किडनी देखने को मिलेगी। बाया वृक्क हो गया ये दाया, ये आपको बाई वृक्क हो सिरा हो गई। फिर आप देखेंगे ये महाधमनी हो गई, ये आपकी बाई मूत्रवाहिनी हो गई, ये आपकी क्या हो गई महासिरा, ये आपका मूत्राशय, ये मूत्र मार्ग। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र हो गया ये आपका। यहां आप देखेंगे ये आपकी एक विक्राणु की रचना है। किसकी? विक्राणु की रचना। ये वृक्क धमनी की सिरा होगी, वो कोशिका गुच्छ बोमर संपुट हो गया, गिला गिला मेरुस लस हो गया ये। ठीक है, ये आपका विक्राणु का नलिका कार भाग हो गया। ठीक है, ये आपका संग्राहक वाहिनी हो गया और वृक्क सिरा की शाखा हो गई ये आपकी और वृक्क धमनी हो गई ये। ठीक है, ये आपको एक तरह से बांस के डंडे जैसा दिखाई दे रहा होगा, लकड़ी जैसा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है इसी तरह। किंतिम वृक्ष या अपोहन, ये काफी आप लोग सुनते रहते हैं, यानी कि बनाया हुआ उत्तर जीविता के लिए वृक्ष जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्ष में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्ष की क्रियाशीलता को कम कर देती है या शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अपक्रिय होने की अवस्था में किंतिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है। एक किंतिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। इसके बारे में आप लोग काफी बार सुनते रहते हैं। किंतिम वृक्क बहुत ही अर्ध पारगम अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं और इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धीकृत रुधिर वापस रोगों के शरीर में पंपित कर देता दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन ये एक अंतर है कि इसमें कोई पुनर्वसन पुनर्वसोषण नहीं है। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जन मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर होता है, क्योंकि शेष निस्यंदन वृक्क की नलिकाओं में पुनः पुनर्शोषित हो जाता है। 180 लीटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ 2 लीटर आपको दिखाई लग रहा है, यानी कि बाहर नहीं निकलता है, बाकी फिल्टर होता रहता है, इस तरह से चलता रहता है। तो आप समझिए कि एक आप सोचिए कि 5 लीटर पानी ले लीजिए आप लोग, उसे आप लोग छानते रहिए, तो आप क्या कहेंगे कि 800 लीटर आप लोगों ने छाना है, लेकिन आप लोग इकट्ठा नहीं छाना है, एक एक करके आप थोड़ी थोड़ी टाइम में करते रहते हैं। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है धमनी से पंप का मार्ग,
और ये चयनित परागम्ब झिल्ली की बनी नलिका हो गई। ये आपको अपोहन के बाद विलयन यूरिया तथा आपका अतिरिक्त लवण, अपोहन के लिए ताजा विलयन, ठीक है, अपोहन विलयन, उपकरण से सिरा का मार्ग, ठीक है। यहां से अब बात करते हैं हम लोग पादप में उत्सर्जन, किसमें, पादप में उत्सर्जन किस तरह से होता है। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त प्रयुक्त करते हैं। विकास संश्लेषण में जनित, विकास संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल में जल के वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। और बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तता में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन रेजिन या गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। एक बात आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए आपको कहाँ समझ में नहीं आया है। मुझे लगता है कि 1 से 2 बार आप देखेंगे आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अंगदान, ये भी आप सुनते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इतने आपके यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, आप लोग उस बॉडी को दफना देते हैं या जला देते हैं, तो जलाने से क्या मिलता है। तो आप लोग इतना कर सकते हैं, जैसे मेरा शरीर लीजिए, मान लीजिए मेरी कल डेथ होती है एक्सीडेंट में या कहीं भी कुछ भी हो जाता है, तो मेरा बेहतर यही रहेगा कि मेरे जो भी परिवार वाले हैं या कोई भी हो मेरा, तो उसे मेरे अंगदान कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे अंगदान से किसी की जिंदगी संवर सकती है, बदल सकती है, तो ऐसा करना अच्छी बात है। लेकिन हमारे भारत में देखेंगे आप लोग कि ना के बराबर आपको अंगदाता देखने को, अंगदान करने वाले लोग देखने को मिलेंगे, हमसे ज्यादा विदेशों में ये काफी रहता है। अंगदान एक उदार कार्य है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य ना कर रहा हो। यह दानदाताओं और उसके परिवार वालों की सहमति द्वारा किया जा सकता है। अंग और ऊतक दान में दानदाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखते हैं। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण 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 अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। अंगदान में किसी ऐसे व्यक्ति दाता के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति या ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। सामान का प्रत्यारोपण में कॉर्निया, गुर्दे, दिल दिल यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा शामिल हैं। अधिकांश अंगदान व ऊतक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं, जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित करता है तब। लेकिन कुछ अंगों जैसे गुर्दे हो गए, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि ऊतकों का दान दाता के जीवित होने पर भी किया जा सकता है। तो ये भी याद रखना कौन कौन से अंग दान कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कई बार बन चुका है क्वेश्चन कि कौन से अंग दान किए जा सकते हैं। ये आपके इससे क्वेश्चन भी हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। आपने क्या सीखा है आखिर। विभिन्न प्रकार की गतियों को जीवन सूचक माना जा सकता है। जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषक शोषण, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन तथा अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन आदि विक्रम आवश्यक हैं। स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना। विषम पोषी पोषक में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है तथा पाचित भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसी जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है जिससे ATP का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे श्वसन वायवीय या फिर IVA भी हो सकता है, और वायवीय श्वसन से जीव को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, उत्सर्जी उत्पाद, शरीर के पदार्थ का वहन, परिवहन तंत्र का कार होता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं होती हैं। उच्च विभेदित पदार्थों में जल खनिज लवण, भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन संभव ऊतकों का कार्य जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। मनुष्य में उत्सर्जी उत्पाद विलेय नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में बिकों में विक्राणु नेफ्रॉन द्वारा निकाले जाते हैं। पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ हैं
पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं, या गोंद रेजिन के रूप में तथा गिरती पत्तियों द्वारा दूर किया जा सकता है, या फिर अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। आप समझिए कि अगर आपका किताब से ना पढ़ा कि आपका नोट्स बनाकर पढ़ाती तो मेन मैन आपके फैक्ट ले लेता, उसी से आपको समझा देता। लेकिन किताब उठाने का मतलब आपने देखा है कि पूरा आप लोगों ने सब कुछ जान लिया है, पूरा आपने इतिहास एक तरह से देखा है इसका। तो मुझे लगता है कि किताब से आपको पढ़ लेना चाहिए, आपको उसमें नोट्स में अभी नहीं बीतना चाहिए। शुरू में तो मुझे लगता है कि आपको नोट्स से नहीं पढ़ना चाहिए, फिर लास्ट में आप रिविजन के लिए आप रख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, भी आप लोग देख लीजिए और PDF सभी आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। आपके पास प्रिंट आउट निकलवाने की सुविधा है तो निकलवा सकते हैं, वरना आप लोग रखिए जरूर अपने पास, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपके 7वें चैप्टर में। इसमें बहुत कुछ देख लिया, वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आपके देख चुका हूं, ठीक है। तो आगे हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय 7वां चैप्टर आपका देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग, तब तक अच्छे से एंजॉय करिए आप लोग।